दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर और हमने जनरल ट्रेन की टिकट ले ली है जो कि हमें 190 पड़ी है 2 पर्सन की, तो 95 रुपीज़ लगा लीजिए कि हमें पर पर्सन पड़े हैं। और मेरे साथ मेरे भाई साहब संजीव जी हैं जो कि आगे आपको वीडियो में देखेंगे। अभी मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, ये देखिए मेरे पीछे है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और अभी हम यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश के लिए और ट्रेन में अभी 1 घंटे का टाइम पड़ा है तो अभी हम स्टेशन पर ही वेट करेंगे, आगे की सारी जानकारी आपको देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं और आधे घंटे तक हमारी ट्रेन आने वाली है। मेरे साथ संजीव जी हैं हमारे भाई साहब, इस बार ये जर्नी में रहेंगे हमारे साथ, तो अभी तक तो वेट ही कर रहे हैं, कुछ तब टाइम तक ट्रेन आएगी तो हम देखते हैं कि जनरल क्लास में इस बार कैसी जर्नी निकलती है। इनका ही फर्स्ट टाइम ही रहेगा एक्सपीरियंस, मेरा पहले भी किया हुआ, देखते हैं इस बार कैसा एक्सपीरियंस मिलता है हमें। तो दोस्तों ये था हाल हमारी जनरल ट्रेन का, डब्बा बिल्कुल खचा खच भर रखा था क्योंकि हॉलीडे सीजन था तो इतना रश था और हमें लगभग पूरे रास्ते तक सीट नहीं मिली। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार और यहाँ से ऋषिकेश है लगभग 1 घंटे का रास्ता लगा लीजिए आप। और ये जर्नी हमने कैसी पूरी किया बताता हूँ। पहले मैं आधा घंटा खड़ा रहा दो पैरों पे, फिर मैं बैठ गया, फिर एक पैर पे भक्ति की, भाई साहब ने भी पूरी भक्ति की, बीच में सो लिए। कैसा लगा भाजी? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा एंजॉय था, बहुत अच्छा एंजॉय इनका एक्सपीरियंस रहा। तो अभी ऋषिकेश पहुँचेंगे लगभग 1 घंटे में, तो ऋषिकेश जाके बताते हैं कि आगे हम कैसे जा रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए। दोस्तों मॉर्निंग के 8 बजे हैं और फाइनली हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। यात्रा एवरेज रही हमारी क्योंकि स्लीपर में हमें टिकट मिल नहीं पाई और जर्नल में तो आपको पता ही है, आपने देख ही लिया होगा क्या हाल था। तो अभी यहाँ से बस वगैरह देखते हैं या कुछ शेयर में टैक्सी वगैरह चलती है तो क्या फेयर है, क्या इसका किराया है, क्या टाइमिंग है, वो भी आपको बताएंगे। तो ये मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ एक बार, ऋषिकेश का एक छोटा सा स्टेशन है। दोस्तों अभी ऋषिकेश स्टेशन से हम निकले हैं गुरुद्वारा साहिब के लिए जो लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, क्योंकि अगर आपको लेट हो तो गुरुद्वारा साहिब में रुक भी सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे फ्रेश होके लंगर वगैरह छक के यहाँ से शेयर कैब या टैक्सी चलती हैं उनमें भी जा सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि हमें लगभग हम 5-6 बंदे हो ही गए हैं तो लगभग 9 पर्सन चाहिए होते हैं, 8-9, तो आज फिर लगभग हम चले जाएंगे। तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और देखिए भाई साहब भी हमारे साथ जा रहे हैं सारे, कितना है भाजी? ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼। ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਯਹੀਂ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, काफ़ी सारी संगतें यहाँ पे आके रात को रुक जाती हैं, यहाँ पे कमरा वगैरह किराए पे मिल जाता है। और ये देखिए ये सारा गुरुद्वारा, ये स्टेशन से रोड आता है और स्टेशन से ही 10-15-20 रुपये के ऑटो के हिसाब से, पर सवारी के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑटो वाला छोड़ देगा। और यहीं से आसपास देखिए यहाँ पे टैक्सी वगैरह या गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो आपको यही गाड़ियाँ आगे मिल जाएंगी जाने के लिए। दोस्तों ये है गुरुद्वारा साहिब में लंगर हाल, यहाँ पे आप लंगर वगैरह ब्रेकफास्ट लंच डिनर लंगर सकते हैं। और ये साथ में सामने सारा ये गुरुद्वारा ही है। दोस्तों अभी हमने लंगर छक लिया है और अभी हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड पे पता करने के लिए कि बस का क्या फेयर है,
या फिर यहाँ पे जो टैक्सी चलती है क्या उसका किराया और किस टाइम पे चलती है। तो अभी हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के लिए। तो अभी ये देखिए हम गुरुद्वारा है ये ऋषिकेश में। दोस्तों अभी मैं टैक्सी स्टैंड पे यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ अगर आप सरकारी बस से जाना है तो सुबह 5 बजे बस चलती है, अदरवाइज़ और बस की टाइमिंग बहुत कम है। और अगर आप शेयरिंग टाटा सुमो वगैरह में जाओगे तो उसका 800 रुपये किराया है, और अगर आप कुछ बड़ी गाड़ी में जाओगे तो उसका 700 रुपये किराया है। बट ये टाटा सुमो वाले आपको जल्दी पहुँचा देंगे, तो आप इस गाड़ी में जा सकते हैं। तो दोस्तों हम इस गाड़ी में जा रहे हैं जिसका किराया 800 रुपये पर पर्सन है, और इसमें लगभग 8-9 बंदे ये बिठाए जाते हैं। और ये गाड़ी लगभग आपको गुरुद्वारा गोविंद घाट के पास उतारेगी, तो इससे थोड़ा आपको ये फ़ायदा रहेगा पर टाइम कम रहेगा और आप जल्दी पहुंच जाओगे। अदरवाइज़ आप बस करके चक्कर में पड़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे शेयरिंग टैक्सी शेयरिंग कैब वगैरह में चल जाइए। 300 किलोमीटर तो है ही है, तो 800 रुपया ठीक है वैसे। और इसमें सुविधा ये रहेगी आपको ही रुकना है कुछ वॉशरूम करना है तो ये रोक भी देते हैं, तो ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए अगर आप शेयरिंग कैब में जाते हो तो। और अभी हम यहाँ से लगभग टाइम एक बार टाइम चेक कर लेते कितना टाइम हो गया है। तो दोस्तों टाइम 9:11, तो लगभग 9:15 हम यहाँ से चल पड़ेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें जाने के लिए, और रास्ते में कुछ चीज़ दिखाने वाली होगी तो आपको दिखाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ, ये जगह है नगरासु नाम की जगह है, लगभग यहाँ से अभी 100 किलोमीटर की यात्रा और पड़ी है। और यहाँ हम गुरुद्वारा साहिब में लंगर छकने के लिए रुके हैं, और संजीव जी हमारे साथ हैं। पहली बार इतनी लंबी जर्नी कर रहे हैं, पाजी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा जी, तो आप कुछ बोल रहे थे लोगों को क्या करने के लिए, क्या करने आई है? चैनल को वो करना है। क्या करना है? अंगूठा लाना, अंगूठा। चैनल को अंगूठा लगा दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारा साहिब, यहाँ पे आप लंगर वगैरह छकते हैं। यह है गुरुद्वारा साहिब, यहाँ पे सारी बसेज वगैरह, यहाँ टूरिस्ट बसें आती हैं या गाड़ियाँ आती हैं, यहीं रुकती हैं, और पार्किंग का भी पूरा इंतजाम है। अभी हम लंगर छकने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों यह है गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। दोस्तों इस तरफ है ये लंगर हॉल। और ये सामने है गुरुद्वारा साहिब। तो दोस्तों अभी हमने लंगर छक लिया है, और अभी दोबारा से हम यहाँ से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 100 किलोमीटर और है, लगभग 5-6 बजे तक हम पहुँचेंगे। आपको मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊँगा जब पहुँचूँगा, और कितना टाइम हमें लगा वो भी आपको बताऊँगा, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी जर्नी के लिए ज़रूरी हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों लगभग शाम के 4:30 बज गए हैं, और अभी भी हम अपनी मंजिल से लगभग 70 किलोमीटर दूर हैं। और अभी एक छोटे से ढाबा बोल लीजिए या दुकान बोल लीजिए, वहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि सफ़र इतना टफ है कि बैठे बैठे आप थक जाते हो। बस अगर बस होती तो और भी ज़्यादा बुरा हाल होता, मतलब फिर भी जो गाड़ी है उसमें टाइम कम लग रहा है। बट हाँ के थोड़ा टफ तो है, बट ठीक है, और ऑप्शन नहीं है आप हमारे पास। तो मैं अभी आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, नीचे दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आपको दिख रहा है तो नीचे ये नदी बह रही है, ऊपर से बह के ये आ रही है, और आपको दिख पा रहा हो तो ये सामने है ये पहाड़।
और ये है दुकान, यहाँ पे हम चाय बनवा रहे हैं। और सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। और ये देखिए मौसम थोड़ा बढ़िया हो गया अभी। ये देखिए दोस्तों, यह कोई नदी है, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट इसका बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। और ये जहाँ से हम स्टार्ट हुए ऋषिकेश से, वहाँ से ये आपके साथ साथ ही आएगी। ये ऊपर से आ रही, देखिए ऊपर पहाड़ है सारे। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और मैं खड़ा हूँ जोशीमठ से थोड़ा आगे। ये देखिए मेरे पीछे पूरा जाम लगा हुआ है, तो आप भी आओगे तो आप भी जाम में फंसोगे, तो वो एक आधा घंटा आप अपनी ट्रैवल टाइम में प्लस ही करके चलना, क्योंकि ये वन वे है तो बड़ी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से आती हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। और लगभग आप लगा लीजिए कि 9:30 चले थे और 8:30 पहुँचेंगे, तो लगभग 10-11 घंटे लग जाते हैं आपको ऋषिकेश से गोविंद घाट पहुँचने के लिए। दोस्तों फाइनली 8:30 बजे हम पहुँच गए हैं 8:30 गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट। और अभी हम यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब के पार्किंग में खड़े हैं, और अभी अंदर जाके चेक करेंगे होटल अपना कमरा वगैरह हमें कहाँ मिलेगा अगर अवेलेबल है तो। तो मैं आपको बैक एंड से दिखाता हूँ। ये देखिए यह गुरुद्वारा साहिब। दोस्तों यहाँ पे कमरे वगैरह मिलते हैं, तो अभी हम यहाँ पे कमरा लेंगे। तो 7:30 बजे चेकआउट रहेगा आपका। मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिख रखी हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि मैं गुरुद्वारा साहिब पहुँच गया था और मैं कमरा लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था, बट यहाँ पे आज संगत बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता आज ही इतनी ज़्यादा है कि रोज़ इतनी होती है या ज़्यादा है भी कि नहीं। तो वहाँ लिख रखा था कि सारे कमरे बुकड हैं, जितने भी कमरे पेड वाले हैं सारे बुकड हैं। तो भाई साहब मैंने क्या किया, फिर मैंने लाइन में लगा, थोड़े हाथ पैर मारे, तो किसी ने मुझे हॉल का नंबर दे दिया। तो मैं और संजीव जी जो मेरे साथ आप देख रहे हैं कि संजीव जी हैं, तो इनको मैंने बोला कि आप हॉल देख के आओ, हॉल क्या है, और मैं प्राइवेट होटल्स में सर्च मारता हूँ। तो हॉल में जाके देखा, तो इन्होंने वहाँ देख लिया। और मैं होटलों में गया तो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ कमरे ख़त्म की अनाउंसमेंट की है, तो उनके साथ क्या कोई टाई अप है कुछ पता नहीं क्या था, बट वहाँ पे 2000 कमरा 2000-2500 में मिल रहा था। तो मैं फिर हॉल में आ गया, जब मैंने हॉल में देखा कि सारे लोग नीचे सोए पड़े हैं, ठीक है ना, बट कमरे है ही नहीं है। ठीक हो सकता है कमरे सच में ख़त्म हो, बट मेरा जो मेन पॉइंट था कि फिर मैं दोबारा लाइन में लगा, मैंने देखा वहाँ पे कमरे मिल रहे थे, तो मुझे कमरा दिया गया। ये आपको मैं स्लिप दिखा देता हूँ, ये कमरा दिया गया और इसके 2000 चार्जेस लिए गए, ठीक है ना। अब 2000 चार्ज देने से कोई दिक्कत नहीं है, जो चार्ज है वो गुरुघर को जा रहे हैं वो देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कमरे थे तो आपने पहले सारे कमरे बुकड हैं ऐसा क्यों लिखा, ठीक है ना। और अगर आपके कमरे खाली हैं तो आप इतने हाई रेट पे क्यों दे रहे हैं, बाहर 2000 में होटल में 2000-2500 में मिल रहा है, तो आप भी 2000 में दोगे तो होटल और गुरुद्वारा साहिब में क्या फ़र्क है। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी अगर हेमकुंड साहिब ट्रस्ट से देख रहा हो वीडियो को, या कोई उनको जानने वाला देख रहा हो, तो ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचाओ, क्योंकि ये एक जायज़ पॉइंट है और ऐसी चीज़ें गुरुघर में नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, अगर कमरा है तो वहाँ बोर्ड पे लिखा होना चाहिए है, अगर नहीं है तो नहीं है। और मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको ऑनलाइन कर दो, ऑफलाइन करके क्या फ़ायदा है, इसको ऑनलाइन करो, ऑनलाइन लोग बुक करें, कोई पार्शियलिटी भी नहीं होगी, किसी को फेवर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा एक निवेदन है, मैं विनती करता हूँ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है इसको ऊपर अथॉरिटी तक जरूर पहुँचाओ। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट देखने के लिए, और देखते हैं यहाँ पे मार्केट में क्या है, और कल के लिए हमें रेन कवर वगैरह लेने हैं तो वो देखने के लिए अभी हम मार्केट में जा रहे हैं। दोस्तों ये है गुरुद्वारा के पास मार्केट है जो अपनी, हंसी वीर जी रेन कवर है अपने पास, कितना भाजी हूँ भाई, 40 ग्यारह जी भाई हम पचास लाता ये बर्ख है, बचाएगा कि भिज भूज जाएंगे भाजी, बचाएगा